से स्वागत करती हूँ आज की इस ब्लॉग में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं नोएडा में आई हुई हूँ दिल्ली में, और यहाँ पे मैं रह रही हूँ। तो काफ़ी लोगों के, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड थी कि दीदी होम टूर लेकर आओ कि दिल्ली में आपका घर कैसा है, हमको देखना है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि हाँ, मैं आज होम टूर देने वाली हूँ। और सबसे पहले एक बात बता दूँ कि ये घर है ना छोटा है, मतलब ठीक है, मतलब दो लोगों के लिए सफिशियंट है। हस्बैंड वाइफ और सास ससुर रह सकते हैं, उनके लिए इतना ज़्यादा सफिशियंट है। सो सारी ज़रूरतें की चीज़ें हैं यहाँ पर। बट जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, मेरा देवर जो है वो राजस्थान में रहते हैं, वो यहाँ पे नहीं रहते, तो घर खाली पड़ा है। तो एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे नहीं है कि साज सजावट की सामान या फालतू सामान यहाँ पर नहीं है, सिर्फ जो ज़रूरत की सामान है उतना ही सामान है। तो आप फिर आप लोग ये मत बोलिएगा कि आपका बोलने वाला घर तो ऐसा है और यहाँ पे ऐसा है, तो उसका वजह है कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है। एक बार शादी हो जाएगी मेरे देवर की, देवरानी मेरी आ जाएगी, तो फिर वो अपने हिसाब से जैसे भी उसको करना है, कर्टन कलर जो भी उसको पसंद है वो अपना करेगी, है ना। सो अब ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे और स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा होम टूर। लेके चलती हूँ आपको सबसे पहले नीचे मेन गेट के पास, वहाँ से शुरू करेंगे। सो यहाँ पे ना गुनगुन आज खाना नहीं खा रही थी, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी, पेट दर्द था उसको, तो बोली खाना नहीं खाऊंगी। तो मम्मी खुद उसको खिलाने के लिए बैठ गए यहाँ पे। दादी लोगों को मन नहीं लगता यार, जब तक बच्चा खाना ना खाए ना, उनका बस चले ना, वो तीन टाइम ठुसा ठुसा के बच्चों को खिलाते रहे बस। आपको पता है, जब भी होम टूर का हमें ब्लॉग देना हो ना, तो घर को ना क्लीन करना पड़ता है। वैसे तो घर क्लीन होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है। तो देखिए, मुनमुन मेरी हेल्प कर रही थी, होम टूर होने से पहले ही हम पहले घर को चमका रहे थे ताकि हम अच्छे से होम टूर दे सकें और हमारा घर अच्छा दिखे। तो यहाँ पर मुनमुन ने टीवी का टेबल साफ़ किया, उसके बाद किचन भी मुनमुन ने साफ़ किया था क्योंकि मैं नहाने चली गई थी। मुनमुन मेरी बहुत हेल्प करती है घर क्लीन करने में। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं गेट से। ये हमारा मेन गेट है घर की तरफ जाने के लिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और यहाँ पे दो रास्ते दिए हुए हैं, एक जो है नीचे से जाता है और ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हो ये पार्क की तरफ जाता है। यहाँ पे पार्क दिया हुआ है बच्चों को खेलने के लिए। ये पूरी सीढ़ियाँ आप चढ़ के ऊपर जाओगे तो फर्स्ट फ्लोर आ जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते झूला और बहुत सारे गेम्स है जहाँ पे बच्चे आराम से खेल सकते हैं। बहुत ज़्यादा जगह दी गई है, और यहाँ पे आप इस तरफ देखोगे ना तो एकदम ऊपर टॉप पे हम मेरा घर भी दिखता है। यहाँ पे गुनगुन का चप्पल टूट गई, मैंने कहा गुनगुन को मेरी चप्पल पहन ले, लेकिन उसने नहीं पहनी और टूटी हुई चप्पल के साथ स्ट्रगल करते हुए आई। आप देखिए कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से, बीच का रास्ता है, दोनों इस तरफ हरियाली है, इस तरफ ग्रिल है, बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ पे आना जाना। और जैसे कि हम जाते हैं बेसमेंट में, तो यहीं पर हम लोगों को आ रही गुनगुन टूटे हुए चप्पल के साथ, और यहीं पर ना हम लोगों को मिल जाती है लिफ्ट, क्योंकि हमको जाना है 31 फ्लोर पर, तो इतना सीढ़ी चलना तो मेरे बस की नहीं है। सो हम लिफ्ट में है और गुनगुन अपने टूटे हुए चप्पल के साथ खड़ी है, किंडर जो है खा रही है। अब हम जाएंगे ऊपर, हमारा फ्लोर आ गया है। सो यहाँ पे आ गया हमारा घर, और सबसे पहले एंट्री है। एंट्री में बाहर ये दो स्टैंड मतलब रखे हुए शूज़ वगैरह रखने के लिए कि अरेंज करके रख दो। यहाँ पे सुबह सफाई वाले आते तो शूज़ वगैरह बाहर नहीं रखे जाते। ये हमने मॉस्किटो नेट लगा दिया है ग्रिल के ऊपर, क्योंकि मच्छर काफ़ी आते हैं, 31 फ्लोर पे भी उड़ उड़ के आ जाते हैं। जैसे गेट खोलते हैं ना यहाँ पर, तो सामने ही आपको दिख जाएगा टीवी रखा है, छोटा सा टीवी है, और ऊपर इस तरह का मतलब दिया हुआ है कबर्ड, छोटा छोटा है। डॉक्टर का घर है तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के सामान ही इस घर में दिखेंगे, डॉक्टर हो या ना हो, लेकिन डॉक्टर के सामान ज़रूर आपको इस घर में दिख जाएंगे। आपको झोला भर के दवाइयाँ मिल जाएंगी यहाँ पर, भले वो दवाइयाँ वो यूज़ करे चाहे ना करे, लेकिन दवाइयाँ आपको मिल जाएंगी। ऐसा आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये डॉक्टर का घर है। सो आपको झोला भर के यहाँ पे दवाइयाँ दिख जाएंगी। टीवी के जिस शूरेक के बगल में उसने रखी है मेरे देवर ने, अलमारी है, अलमारी में कपड़े हो चाहे ना हो,
कोई सामान हो चाहे ना हो, डॉक्टर का घर है, आपको किताबें भर भर के मिल जाएंगी। देख लीजिए कितनी किताबें हैं, दो झोला भर के किताबें ऊपर के कबर्ड में भी मम्मी ने रखी है, इतनी सारी किताबें यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे सोफ़ा सेट लगाया हुआ है, साथ में टेबल है, यहाँ पे दो छोटे छोटे टेबल भी है। लड्डू यहाँ पे बैठा है, लड्डू मेरा पीछा नहीं छोड़ता, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे ही वो रहता है। और यहाँ पे ये एक रिसीवर रखा हुआ है, जैसे नीचे कोई आता है तो रिसेप्शन से फ़ोन आता है कि ये इंसान आया है तो क्या हम अलाउ करें, तभी वो इंसान ना ऊपर हमारे फ्लोर पर आ सकता है। इस तरह का सिक्योरिटी दिया हुआ है। यहाँ पर इस तरफ भी लाइट है, उस तरफ भी लाइट है, और सबसे मेरा फेवरेट एरिया है गैलरी। जी हाँ, आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन बहुत स्टाइलिश है, आप ऐसा मत समझो कवर देख के, क्योंकि कवर मम्मी ने बनाया है साड़ी से कि वो गंदा ना हो जाए। अभी तो मेरी देवरानी है नहीं, तो मम्मी सब कुछ अरेंज करते, बटन लगा हुआ लगा कर उन्होंने ये कवर बनाया है साड़ी से, खुद से ही सिल के बनाया हाथ से। जब मेरी देवरानी आ जाएगी तो उसको जैसे भी अपना करना होगा स्टाइलिश वो करेगी अपना, अभी तो मम्मी देख रेख करते इस तरह से। तो ये पूरा आपको व्यू मिल जाएगा यहाँ से, नोएडा का व्यू पूरा खूबसूरत। यहाँ पे हम लोग ना कबूतर का जाली लगाने वाले, बहुत जल्द कबूतरों ने बहुत तबाही मचा रखी है यहाँ पर। ये फ्रिज है, फ्रिज भी मतलब चार लोगों के हिसाब से फ्रिज है, बहुत बड़ा फ्रिज नहीं है। और ये देखिए फ़ोटो है, जब मेरे डॉक्टर मेरे देवर ने पास आउट किया था उस टाइम का फ़ोटो है, फर्स्ट ऑपरेशन किया था उसने तब का है। मम्मी ने बनाया है, खुद से बनाया है। सो ये किचन है छोटा सा, इस तरह से ट्रॉली वगैरह दी देख सकते हो आप। और चिमनी लगाई है, इसी के अंदर सारे कबूतर घुस गए थे जब हम आए थे, तो इसी चिमनी के अंदर। और ठीक है, ज़्यादा आने में है ठीक है सब कुछ। ये पानी का डब्बा जब हम यहाँ पर आए तो फिल्टर ख़राब था हमारा, तो पानी का डब्बा लाए तो इसका यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि फिर हमने फिल्टर लगा दिया था। छोटा सा ही किचन है, ज़्यादा बड़ा नहीं, सो गेट के सामने ही किचन दिया गया है। और राइट हैंड की साइड में एक बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है ये। यहाँ पे इस तरह का बेड है जो मतलब साथ में टॉयलेट बाथरूम अटैच दी गई है, और मतलब गर्म पानी की भी सुविधा है, गीजर वगैरह है उसमें। अलमारी दी गई है, तो इसमें आप चाहे कपड़े रखो, कोई भी सामान रखो। हालांकि मेरे देवर का घर है, वो इसमें पेन पेंसिल और बुक्स रखता है और दवाइयाँ रखता है अलमारी में भी। ये देखिए रिमोट कहाँ पे है, बाहर मम्मी ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन रिमोट बेडरूम में, टीवी हॉल में है और रिमोट बेडरूम में। यहाँ पे टॉयज़ रखे हैं लोग, टेबल लैंप रखते हैं, हमने टॉयज़ रखे। चलो मेरी देवरानी आएगी तब वो रख देगी अपना फेवरेट टेबल लैम्प। फिलहाल खिलौने हैं वहाँ पर। तो यहाँ पे एक स्टडी टेबल टाइप का टेबल भी है। ये ना बहुत पुराना टेबल है, जब मेरा देवर बहुत स्ट्रगलिंग के इसमें था ना, तब का ये टेबल है, उसने फेंका नहीं, अपना रख लिया याद करके। सो यहाँ पे भी आपको व्यू मिल जाएगा बाहर का, देख सकते इस खिड़की से, खिड़की से बहुत अच्छी हवा आती, साथ में मच्छर भी आते हैं, मेला भर के झोला भर भर के मच्छर भी आते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पे कर्टन लगा दो, बंद कर दो, चाहे तो खोल लो, जैसे भी मर्जी है करो। ये एक रूम आपको दिया गया है, एक और रूम है जो कि जस्ट बगल में ही है, ये भी मास्टर बेडरूम ही है। यहाँ पे भी टॉयलेट बाथरूम अटैच है, देखिए कितना बड़ा रूम है ये भी। यहाँ पर भी बेड है, अलमारी है, और ये जो पलंग है ना, इसमें आपको एक खुफियाना जगह मिल जाएगी, खुफिया रास्ता है, लेकिन इसमें आप सामान रखो। लेकिन मेरे बच्चों ने इसमें भी कबाड़ा करके रखा है, मेरे बच्चे जहाँ जाते हैं वहाँ पर सब सामान अस्त व्यस्त कर ही देते, चार चार बच्चे क्या किसको क्या कहे। तो यहाँ पे ये टीवी भी लगा हुआ है साथ में, ये मेरी दोनों ट्रॉली है, जब मैं पुणे जाऊँगी तो इसको लेके जाऊँगी, अभी फ़िलहाल यहीं पे रखी हुई है, ये दोनों भी गेस्ट है मेरी तरह से। तो यहाँ पर देखो आप अटैच टॉयलेट बाथरूम, जैसे कि मैंने बताया पूरी सुविधा है यहाँ पर भी, मतलब नल बेसिन आईना गर्म पानी ठंडा पानी सब कुछ यहाँ पर है। और बाथरूम बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि छोटा सा है। तो आप जैसे कि आओगे रूम में ना, तो यहाँ पर भी एक अलमारी दी गई है, सब जगह पे ना अलमारी दी गई है कि आपको सामान रखना हो तो आपको जगह कम ना पड़े। हालांकि उतना सामान नहीं है यहाँ पे कि इतनी सारी अलमारियाँ भर जाए, पर ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक रास्ता दिखाती हूँ, आप देख सकते हो एक रास्ता है यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ सोती हूँ तो मुझे चार्जिंग वगैरह करनी चाहिए। यहाँ पर नाइट स्टैंड नहीं है, यहाँ पर दरवाज़ा है, उस रूम में खिड़की थी, यहाँ पर दरवाज़ा है, आप खुद के बाहर चले जाओ, आप खुद के अंदर आ जाओ।
फिर आप खुद के बाहर चले जाओ, फिर आप खुद के अंदर आ जाओ। अभी मैं यहाँ से निकलूंगी ना तो देखो मैं आपको कहाँ मिलूंगी। गैलरी भी दिखा देते हैं। सो ये रूम है और यहाँ पे ये अलमारी है, अलमारी नहीं सॉरी गैलरी, तो इस तरह से है। ये इन्वर्टर का फैन है, दोनों गैलरी की जो व्यू है ना वो मेरे फेवरेट थे। मैं रात के ना 10-11 बजे यहाँ पे खड़ी होती है, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और बहुत ही प्यारा लगता है। ऊंची ऊंची इमारतें, ठंडी ठंडी हवाएं, बहुत प्यारा लगता है। देखिए गमलों की तो हमने लाइन लगा रखी है, यहाँ पे कितने सारे गमले हैं, 3-4 प्लांट अभी हमने लगाए हैं, लेकिन अभी और भी बहुत सारे गमले खाली पड़े हुए। यहाँ पर नल दिया गया है पानी डालने के लिए, तो सारी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल है। वही रूम, वही खिड़की है जो मैंने आपको रूम में दिखाई थी ना, वही खिड़की है। ये सारी सुविधाएं दी गई है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बट ज़रूरत के सारे सामान यहाँ पर अवेलेबल है, कोई सी भी चीज़ की कमी नहीं है। और मुझे यहाँ पर आकर रहना बहुत अच्छा लगता है, मैं साल में 2 बार आती जाती रहती हूँ, बहुत प्यारा लगता है। सो आप लोग बताइएगा कि आपको ये घर कैसा लगा। आई होप अच्छा ही लगा होगा, उतना भी ख़राब नहीं है कि किसी को पसंद ना आए। मम्मी ने साड़ी से ढका है क्योंकि कवर मम्मी को, देखो जितना समझ में आता है मम्मी को उतना ही उन्होंने किया है, वही यहाँ पर रहते हैं, वहीं इसको संभालते हैं। जब मेरी देवरानी आ जाएगी तो वो अपना देखेगी उसको कैसे अरेंज करना है, क्या क्या पर्दे लगाने, क्या लगाने। यहाँ पर ना सब लोगों ने ना गैलरी में पंखे लगाए, मुझे नहीं पता क्यों लगाए हैं, शायद हवा नहीं आती होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो इतनी हवा है कि कपड़े उड़ जाते हैं, तो मुझे नहीं पता कि पंखे क्यों लगा। अगर आपको पता होगा तो आप लोग बताइएगा। सो आपको ये हमारा घर दिल्ली का घर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, मैं सबके कमेंट की वेट करूँगी। और ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।